इंसान को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत दो कंडीशन में पड़ती है। एक, जब वह इंसान गंभीर रूप से बीमार हो जाए और उसे अपनी बीमारी का इलाज कराना हो। दूसरा, यदि किसी परिवार के उस सदस्य की जिस पर वह परिवार निर्भर करता है, वह उस परिवार के बीच में ना रहे। इन दोनों परिस्थितियों से बचने के लिए एक समझदार व्यक्ति अपने लिए एक ऐसा बीमा खरीदता है जिसमें उसे इन दोनों परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान की जाती हो। एसबीआई लाइफ पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको 36 तरह की क्रिटिकल बीमारियों का कवर और लाइफ कवर दोनों का लाभ दिया जाता है। यानी कि यदि पॉलिसी लेने के बाद आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एसबीआई लाइफ पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी के तहत आपको इलाज के लिए पैसे दिए जाते हैं। और यदि पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुने। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब मैं आपको एसबीआई लाइफ पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी के उस फीचर्स के बारे में जानकारी देता हूँ जो इस पॉलिसी को अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, जिसके तहत आपको 36 तरह की क्रिटिकल इलनेस कवर का लाभ और लाइफ कवर का लाभ दिया जाता है। एसबीआई लाइफ पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसका फीचर्स, जिसका नाम लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग है, इसे समझना होगा। लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग फीचर्स के तहत जब पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते समय अपने लिए एक बेसिक सम अश्योर्ड निर्धारित करता है, तो पॉलिसी होल्डर द्वारा निर्धारित किए गए बेसिक सम अश्योर्ड को दो भागों में बांट दिया जाता है। बेसिक सम अश्योर्ड का 80% लाइफ कवर सम अश्योर्ड कहलाता है और बेसिक सम अश्योर्ड का 20% क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड कहलाता है। क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड के लिए जिस राशि को निर्धारित किया जाता है उस राशि में प्रत्येक वर्ष एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीमेंट पॉलिसी टर्म के अंत तक होता रहता है, जो कि पॉलिसी होल्डर द्वारा लिए गए पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करता है। यदि पॉलिसी होल्डर अपने लिए 10 साल की पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी लेता है तो उसके क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड में पॉलिसी टर्म के अंत तक हर साल 15% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। और यदि पॉलिसी टर्म 15 साल का है तो 10% का इंक्रीमेंट किया जाता है। 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 7.5% का, 25 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 6% का और 30 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 5% का इंक्रीमेंट पॉलिसी टर्म के अंत तक प्रत्येक वर्ष क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड में किया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जैसे जैसे क्रिटिकल इलनेस के सम अश्योर्ड में इंक्रीमेंट होता है सेम अमाउंट आपके लाइफ कवर सम अश्योर्ड में माइनस किया जाता है। यानी कि जब तक आपका पॉलिसी टर्म है और आपके क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड में जितने अमाउंट का इंक्रीमेंट होता है सेम उसी अमाउंट का आपका लाइफ कवर सम अश्योर्ड में से पॉलिसी टर्म के अंत तक डिक्रीमेंट होता रहता है। प्रीमियम के तौर पर दिए जाने वाले प्रीमियम अमाउंट में और बेसिक सम अश्योर्ड में किसी भी तरीके का बदलाव पॉलिसी टर्म के अंत तक नहीं होता। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई लाइफ पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी काम कैसे करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एक पॉलिसी होल्डर जिसका उम्र 30 साल है वह 10 साल का पॉलिसी टर्म लेता है और 1 करोड़ रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड अपने लिए निर्धारित करता है। पॉलिसी होल्डर द्वारा प्रत्येक वर्ष पॉलिसी टर्म के अंत तक 14,340 रुपए का भुगतान किया जाना है। जैसा कि यहाँ पॉलिसी होल्डर द्वारा 1 करोड़ रुपए बेसिक सम अश्योर्ड निर्धारित किया गया तो 1 करोड़ का 80% जो कि 80 लाख रुपए हो जाता है वह हमारा लाइफ कवर के लिए निर्धारित हो जाता है और 1 करोड़ का 20% जो कि 20 लाख रुपए होता है क्रिटिकल इलनेस कवर के लिए निर्धारित कर दिया जाता है।
पॉलिसी टर्म हमारा 10 साल का है, इसलिए क्रिटिकल इलनेस के सम अश्योर में पॉलिसी टर्म के अंत तक प्रत्येक साल 15% का इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जब पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी को लिया तो पॉलिसी टर्म के पहले साल टोटल बेसिक सम अश्योर 1 करोड़ रुपए का है, जिसमें 20 लाख रुपए क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर का है और 80 लाख रुपए लाइफ कवर सम अश्योर का है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 1 साल पूरा हो जाता है तो पॉलिसी टर्म के दूसरे साल में क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर में 20 लाख का 15% जो कि 3 लाख रुपए होता है उसका इंक्रीमेंट हो जाता है और इस तरीके से क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर 23 लाख रुपए हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि वह राशि जो क्रिटिकल इलनेस में प्रत्येक वर्ष पॉलिसी टर्म के अंत तक जोड़ी जाती है सेम उतना ही राशि आपके लाइफ कवर में से प्रत्येक वर्ष पॉलिसी टर्म के अंत तक माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर में 3 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरी तरफ लाइफ कवर सम अश्योर में 3 लाख रुपए का डिक्रीमेंट हो जाता है। पॉलिसी टर्म के अंत तक पॉलिसी होल्डर द्वारा निर्धारित किया गया बेसिक सम अश्योर एकदम फिक्स रहता है, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता है। सेम इसी तरीके से पॉलिसी टर्म के तीसरे साल में क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर में फिर से 3 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हो जाता है, इस तरीके से क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर 26 लाख रुपए का हो जाएगा और लाइफ कवर सम अश्योर में फिर दोबारा से 3 लाख रुपए का डिक्रीमेंट हो जाता है और हमारा लाइफ कवर सम अश्योर माइनस होकर 74 लाख का हो जाता है। यह प्रोसेस पॉलिसी टर्म के अंत तक चलता रहता है। अब यदि पॉलिसी टर्म के बीच में किसी साल पॉलिसी होल्डर गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तो उस कंडीशन में पॉलिसी ईयर के हिसाब से पॉलिसी होल्डर को बीमारी के ट्रीटमेंट हेतु क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर के तहत जो भी सम अश्योर होता है उसका भुगतान कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी टर्म के चौथे साल में पॉलिसी होल्डर गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तो उस कंडीशन में क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर के तहत पॉलिसी होल्डर को अपनी बीमारी का इलाज कराने हेतु 29 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर का भुगतान पूरे पॉलिसी टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जाता है। जैसे ही पॉलिसी होल्डर को क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर कवर का लाभ दिया जाता है अब पॉलिसी होल्डर को बचे हुए पॉलिसी टर्म में किसी भी तरीके के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता। फ्यूचर का जो भी प्रीमियम होता है वह वेव्ड ऑफ हो जाता है, यानी कि अब पॉलिसी होल्डर द्वारा अपने पॉलिसी को चलाने के लिए क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर कवर का लाभ लेने के बाद किसी भी तरीके का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर का लाभ लेने के बाद पॉलिसी टर्म के बीच में जब कभी भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 71 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी टर्म के 7वें साल में हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 62 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि इस पॉलिसी के तहत पॉलिसी होल्डर पहले क्रिटिकल इलनेस का लाभ ले लेता है तो आगे का उसको प्रीमियम नहीं देना और पॉलिसी टर्म के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्रिटिकल लाभ लेने के बाद जो उसका सम अश्योर बचता है उसका भुगतान डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को किया जाता है। लेकिन यदि पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर ने क्रिटिकल इलनेस का लाभ नहीं लिया और पॉलिसी टर्म के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वह राशि जो लाइफ कवर सम अश्योर में पॉलिसी ईयर के हिसाब से बनता है उसका भुगतान पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में किया जाता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 65 साल का होना चाहिए। मैच्योरिटी के समय मिनिमम उम्र 28 साल और मैक्सिमम उम्र 75 साल की होनी चाहिए। बेसिक सम अश्योर कम से कम 20 लाख रुपए का और अधिक से अधिक 2.5 करोड़ तक का ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल और 30 साल तक का होता है। प्रीमियम का भुगतान आपको पॉलिसी टर्म के अंत तक करना होता है। प्रीमियम आप मंथली हाफ ईयरली और ईयरली दे सकते हैं। यदि आप प्रीमियम का भुगतान हाफ ईयरली करते हैं तो आपको एनुअल प्रीमियम का 51% और यदि आप प्रीमियम का भुगतान मंथली करते हैं
तो आपको एनुअल प्रीमियम का 8.50% प्रीमियम के तौर पर पॉलिसी टर्म के अंत तक भुगतान करना होता है। ईयरली कम से कम आप 3,000 रुपए और अधिक से अधिक 9,32,000 रुपए, हाफ ईयरली कम से कम 1,500 रुपए और अधिक से अधिक 4,75,000 रुपए, मंथली कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक 80,000 रुपए तक के प्रीमियम का भुगतान आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको SBI लाइफ पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी SBI लाइफ इंश्योरेंस के इस यूनिक प्रोडक्ट के विषय में, जिसका नाम SBI लाइफ पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी है, जानकारी मिल सके और वे अपने लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर इस पॉलिसी को परचेज कर सके। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।